मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का अभिनंदन है। आज आप पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 5 लिंग तथा वचन। लिंग तथा वचन के अंतर्गत आप पढ़े लिंग, लिंग की परिभाषा तथा लिंग के प्रकार आप पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे, देखेंगे, पहचान करेंगे लिंग की, लिंग की पहचान। यहां ध्यातव्य है लिंग की पहचान करने से पूर्व जो है आप यह बात ध्यान रखेंगे कि सजीव का लिंग पहचानना आसान होता है, सरल होता है। यदि वे पुरुष जाति के हैं तो पुलिंग के अंतर्गत आएंगे तथा स्त्री जाति के हैं तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, बहुत से प्राणीवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुलिंग में आएंगे, हमेशा पुलिंग के अंतर्गत आएंगे, हमेशा सदैव पुलिंग के अंतर्गत, सदैव पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में बहुत से प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका बाज, उल्लू, गरुड़, खटमल, बिच्छू आदि आते हैं। इसी प्रकार हिंदी में बहुत से ऐसे प्राणीवाचक शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे मछली, मक्खी, तितली, छिपकली, कोयल आदि। हाँ, अब इसकी हम पहचान करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए सदैव पुलिंग है के अंतर्गत आने वाले बाज, उल्लू, गरुड़ हैं, इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पूर्व मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा बाज, मादा उल्लू आदि। इसी प्रकार जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उनको पुलिंग बनाने के लिए इन शब्दों से पहले शुरू में नर शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे नर मछली, नर मक्खी आदि। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए होमवर्क है, जो भी आपको सदैव पुलिंग तथा सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द बताए गए, उन शब्दों को आप SW की कॉपी पर लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।